जी नमस्कार जाकिर साहब। मेरा नाम है राजेश्वर, मैं नवी मुंबई निरुल से आया हूं और मुझे यहां पर लेकर आया है मेरे दोस्त श्री अजीम मुल्तानी ने। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूं, तो मेरा ये कहना है, हम जो लोग जो बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूं, सिख बोलता है मैं सिख हूं, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूं, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है? क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या जरूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और थोड़ा और एक सवाल साथ में इसके साथ में जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूंगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पर चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं, ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो होना चाहिए इंसानियत। और क्या धर्म को, भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है? और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कौन कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है सिख हूं, ये धर्म को किसने बनाया? और धर्म होना चाहिए एक, आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन दीन इंदल्लाह अल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही, ये कितने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। आपका सवाल था किसने, इंसानों ने, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह, सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई, मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजा, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई, फिर नई मजहब, फिर और एक दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे, आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखे सूरह रात में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वली कुल कौम मिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा, सूरह रात सूरह 13 आयत नंबर 7, और सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की, आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू का क्या मानिए,
हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी यह है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। तुम इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहि सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहि सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहि सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बसर करने के बाद। मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहि सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में, वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकाम पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा सफलता मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खालिक का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला, आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। मैं मानता हूँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद और मैं भी है एक, मैं भी मंदिर, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर ने ना, एक पावर जो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, एक पावर को मानते हैं दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानते हैं। मैं भी एक पावर को मानता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर ना? सारे पावर को मूर्ति में जा रहे, तो हिंदू मजहब कहती मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहती मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल, एक पावर को मानते? बिल्कुल। अने एक ईश्वर को मानते? बिल्कुल। एक खुदा को मानते? बिल्कुल। एक अल्लाह को मानते? बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है लेकिन मैं करता हूं। यही तो बात है, आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत। चलते आ रहे हैं बचपन से चलते आ रहे हैं। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूं कि मैं गॉड फियर हूं, मुझे डर है, मैं गलत काम से बचता हूं। हाँ, गलत काम करते हैं लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूं। आपने कहा, मैं मानता हूं, आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, गलत काम से बचता हूं, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूं, आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है लेकिन फिर भी मैं करता हूं और गलत काम से बचता हूं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है फिर भी पीता हूं और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना? मैं नहीं पीता। नहीं, आप नहीं पीते, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और भयानक है, मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और खतरनाक है। आपके वेद में लिखेला है, बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकाम पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं, सही है? गलत है। गलत है, चोरी करना गलत है आप मानते, क्या चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं? अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो।
उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है कि चपटी है? गोल, गोल। माशा गोल। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे कभी? हजार साल पहले? बिल्कुल। कौन से आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत हजार साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके दादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता। आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या बोले? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है। बराबर। लेकिन साइंस कहती है मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके। जब तरक्की करते हैं गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुतपरस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुतपरस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। कैसे? नहीं, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे। और इंशाल्लाह जो भी मुश्किल आते हैं आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे पीएचडी बनेंगे, उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। आंसर द क्वेश्चन। शुक्रिया।